हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को मिस किए बिना देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। नदी के किनारे का एक करीब का प्रदेश, एक बड़े राज्य का नाम है मगलतूर और उस राज्य के राजकुमार का नाम है शंकर प्रसाद। वो विद्याभ्यास के लिए सदाशिव नामी गुरु के पास उनके आश्रम में रहकर शास्त्रीय विधि का पठन कर रहा है। शंकर प्रसाद अत्यंत विनय विधेयता वाला विद्यार्थी है। वक्त इस तरह गुजरते समय एक दिन राजधानी से दो सिपाही जल्दी जल्दी आए। वो लोग एक वार्ता लेकर आए, उस पत्र को गुरु सदाशिव जी को दिया। उन्होंने उस पत्र को पढ़कर बेहद बाधा के साथ, बेटे, इस तरह की वार्ता तुम्हें बताते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। क्या हुआ गुरुजी? दया करके बताइए। इस वर्तमान के अनुसार तुम्हारे पिताजी वीरसेन जी का अचानक स्वर्गवास हो गया। गुरुदेव, ये क्या हो गया? पिताजी, हिम्मत से काम लो बेटा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन उस राज्य के युवराज की हैसियत से, होने वाले राजा की हैसियत से इस मुसीबत को सहन कर राज्य के भलाई का कर्तव्य निभाना होगा। पिताजी, गुरुजी, इस तरह की परिस्थिति में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं निभा सकता गुरुजी, नहीं निभा सकता। महामंत्री जी के इस वर्तमान में तुम्हारी ताजपोशी तुरंत करने के अवसर के बारे में भी विवरण किया है। गुरुजी, कुछ समय के लिए इस राज्य के व्यवहारों को मंत्री जी को ही निभाने के लिए कहेंगे। नहीं युवराज, उस तरह करवाना मुश्किल है। तुम्हारे पिताजी के देहांत का सदमा उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। गुरुजी, मैं बिना अनुभव के राज्य के विधियों का मैं ठीक से पालन नहीं कर पाऊंगा। अब आप ही इसका कोई परिष्कार निकालिए। अब इस तरह हर तरह से सोचे बिना तुम तुरंत जाकर ताजपोशी करवाने के बाद सिंहासन पर बैठना ही इसका सही परिष्कार है। मैं तुम्हें एक तोता दूंगा, उसे एक पिंजरे में रखकर दरबार में उसे एक जगह रखो और उसकी जहाँ छांव गिरेगी वहाँ तुम जिसे विचार करना चाहते हैं उन्हें खड़ा करो। तब वो लोग सच बोल देंगे और उसके मुताबिक ये तोता अपना निर्णय बोलेगा। ऐसा ही होगा गुरुदेव। लेकिन एक बात, तुम्हें अच्छी तरह अनुभव होने के बाद तब अगर तुम इस तोते की जरूरत ना हो तो उसे छोड़ दे सकते हो, अब जा सकते हो। आपकी आज्ञा गुरुदेव। गुरुजी के दिए तोते को लेकर सिपाहियों के साथ शिव प्रसाद अपनी राजधानी मुगलतूर को रवाना हुआ। उसकी ताजपोशी करके मंत्री जी अपनी तीर्थ यात्रा को प्रयाण हुए। शंकर प्रसाद अपने गुरुजी के दिए तोते को एक पिंजरे में रखकर दरबार में एक जगह टंगा दिया। एक दिन सारा दरबार भरा हुआ था, वहाँ रहे सब लोग गौर से इंतजार कर रहे हैं। कारण ये था कि उस दिन बहुत ही खास फैसला सुनाया जाने वाला है। राजा तो नया है, किस तरह इस समस्या का हल निकालेगा समझकर सब इंतजार कर रहे हैं। उस दिन हाजिर किया गया दोषी, उस पर राजद्रोही का इल्जाम लगाया गया है। उस मुलजिम को ले जाकर तोते के पिंजरे की छांव उस पर गिरने वाली जगह पर खड़ा किया। बोलो, तुम पर जो इल्जाम लगाए गए हैं उसके बारे में तुम्हें क्या कहना है? तुमने क्या राज्य के सिपाहियों को मारा है? तोते वाले पिंजरे की छांव उस पर गिरने की वजह से वो सब सच सच ही बोल रहा है। महाराज, मैंने राज सिपाहियों को मारा है। एक बार ही नहीं बल्कि बहुत बार मारा। किसी को मिले बिना चुप रहा हूँ। इतना ही नहीं, उनके पास के कई चीजों को भी चुरा किया। इसने जो किया वो मामूली जुर्म नहीं है। राज सिपाहियों को मार पीट कर उनके कार्य में आतंक लगाया है। राज्य आज्ञा को ठुकराना ही है, इसलिए इसे कठिन सजा देनी चाहिए। इतने में सेनापति वहां आकर उस मुलजिम के बारे में समाचार दिया। उस समाचार को लेकर शंकर प्रसाद सब पढ़कर अपना फैसला इस तरह सुनाया। मैं इसे अपने महल में अवनीति निरोध के शाखा में नियमित कर रहा हूँ।
राजा के फैसले को सुनकर सब आश्चर्यचकित हुए। सिपाहियों पर हमला करने वाले को सजा देने के बजाय अच्छा सा पद भी देना देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो राजाज्ञा है इसलिए सब चुपचाप रह गए। दरबार समाप्त हुआ, सब चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर से दरबार में समावेश हो रहा है। विचित्र सेना नामी दोषी को दरबार में विचारण के लिए लाया गया। विचित्र सेना के गांव में उसके दो तालाब हैं। वो उस गांव वालों की प्यास बुझा रहे हैं। एक तालाब ऊपर और एक नीचे है। नीचे के तालाब का पानी सूख जाने के बाद जो ऊपर है उसका पानी इस्तेमाल किया करते, तो विचित्र सेना पर इल्जाम ये है कि उसने ऊपर के तालाब के पानी को कट्टा बांधकर वृद्धा किया। ऊपर के पानी का रास्ता पलटाने की वजह से जनता को बहुत मुसीबतों का सामना पड़ रहा कहकर उस गांव वालों की फरियाद है। तुमने जो गुनाह किया है वो बताओ। विचित्र सेना को पिंजरे की छांव गिरी जगह पर खड़ा किया, इसलिए उसने, सच है राजा, मैंने तालाब में डंडी मारा है, पानी के रास्ते को पलटाया है, कहकर सच बताया। तुरंत ही तोते ने पीने के पानी को व्यर्थ करने वाला ये सजा के काबिल है कहकर कहा। तोते का निर्णय भी सुनने के बाद राजा ने अपना फैसला सुनाया। वन्य प्राणी संरक्षण अधिकारी की हैसियत से नियमित किया हूँ, तुरंत उस जिम्मेदारी को संभालो। विचित्र सेन, ये मेरी आज्ञा है, कहकर फैसला सुनाया। इस बार भी दंग रह गई सारी जनता। ये क्या, राजा इस तरह के फैसले सुना रहा है, कहकर रह गए। इस तरह गुजरने के बाद तीर्थ यात्रा को गए मंत्री जी वापस आए। राज्य में होने वाले विषय के बारे में मालूम किया, राजा के दिए फैसलों के बारे में भी मालूम किया। राजा के अंतःपुर मंदिर में गए मंत्री जी। महाराज, अब तक तुम्हारे फैसलों के बारे में ही सुना हूँ, पर मुझे ही बहुत विचित्र नजर आए। लेकिन इस तरह के फैसलों के पीछे कोई न कोई खास कारण रहा ही होगा, उनके उस कारणों के बारे में क्या मुझे आप बता सकते हैं? महामंत्री जी, अवश्य बताऊंगा। गजपति, राजभटों पर हमला करना बिल्कुल गलत है, लेकिन उस संगठन के सारी तफसील मालूम करने के बाद ये जानकारी हुई कि जनता को डरा धमका के अधिकार की आड़ में जनता को लूट रहे हैं, उनसे सेवा करवा ले रहे हैं। इस तरह अधिकार का दुर्विनियोग करने वालों को हिम्मत से मुकाबला करके जनता से लूटा हुआ धन सिपाहियों से लूटने वाला व्यक्ति है गजपति। इस प्रकार राजा ने अपने पहले दिए फैसले के बारे में उसका कारण बताया। तब तुरंत मंत्री ने दूसरे दिए गए फैसले के बारे में विवरण पूछा। अगर ऐसा हो तो उसे हमें फरियाद करना चाहिए था ना? उसके बजाय अधिकार को अपने हाथ में लेना कहाँ तक ठीक है राजा? मंत्री जी, जिन्हें राज्य की हिफाजत और शांति के लिए नियमित किया गया वो खुद इस तरह नियमों पर पानी फेर दे तो स्वतंत्र भाव रखने वाले व्यक्ति की हैसियत से अन्याय का मुकाबला करने वाले की हैसियत से आवेश में आकर उस तरह से प्रवर्तन किया है, उसके उस आवेश को सही रास्ते पर इस्तेमाल किया जाए तो अपने राज्य को बहुत फायदा होगा। उस उद्देश्य के लिए उसे अवनीति निरोधा के शाखा में नियमित किया। तो फिर पीने के पानी को वृद्धा करने वाले उस व्यक्ति को किस लिए सजा नहीं दिया? जनता के सहूलतों को भंग करने वाले उस व्यक्ति को महल में क्यों स्थान दिया? उसका भी सही कारण है मंत्री जी, पानी हर जानदार के लिए नियामत है। इंसान सिर्फ एक की जरूरत के अलावा अपने साथ के सभी जीवों के बारे में जानकारी होना चाहिए। दूसरे जीवों का जीवन आधार सुरक्षित रहने पर ही इस सृष्टि में मानव भी ठीक से जी सकता। विचित्र सेना के गांव में जनता को पानी की कितनी जरूरत है उतना ही वहां करीब रहने वाले जंगल में रहे पेड़ पौधों और जानवरों को भी उतनी ही जरूरत है। अगर पानी ना हो तो पेड़ सूख जाते हैं और जानवर बिना आहार के वो मर जाएंगे। ये सब ना हो तो वर्ष ना होने का प्रभाव पड़ने पर खाद पड़ जाएगा, जीव समतुल्यता का नाश होगा। विचित्र सेन का किया कार्य बाध्यता रहित नहीं है, वो बहुत ही दया दृष्टि दूरदृष्टि वाला व्यक्ति है। इस तरह राजा के बताए विवरण पर बेहद आश्चर्यचकित होकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुए मंत्री जी। शाबाश राजा, शाबाश, तुम अत्यंत परिणति पा चुके हो, तुम्हारे फैसले तारीफ के लायक है, महान है। जज्बात में
इंसान अच्छा बुरा सोचे बिना कुछ काम कर देता है। कुछ लोग अन्याय होता देखकर बर्दाश्त ना होकर जज्बाती हो जाते हैं। उस अच्छाई को समझकर ही मैंने उन्हें उस तरह का निर्णय किया हूँ। ये सब कहने के बाद उस पिंजरे के तोते को बाहर छोड़ दिया। क्या हुआ राजा, उस तोते को क्यों छोड़ दिया? मंत्री जी, इस पिंजरे की वजह से अपराधी सच बोलेगा, उसके मुताबिक तोता अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन उन सच्चाई के पीछे के कारणों को मात्र नहीं देखेगा। उन सारी बातों का आलोचना किए बिना सही फैसला नहीं सुना सकते, इसीलिए तोते को छोड़ दिया।